हेलो फ्रेंड्स, श्याम हेयर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल श्याम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मैं इस बोर्ड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं इसके टोटल वायरिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होगी। पहला पार्ट ये है, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। दोस्तों, इस पार्ट में मैं आपको ओनली कनेक्शंस बताऊँगा कैसे करने हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा वायरिंग करके, इसके अंदर मैं आपको कनेक्शंस करके बताऊंगा और फिर इसे चला के भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे 100 रुपये वाली किट है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। चलिए पहले इसके ट्रांजिस्टर के कनेक्शंस के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने एक ट्रांजिस्टर के ऊपर वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको बताया था उसका जो पिन होता है उसको कैसे फाइंड करें। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लेना इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों, मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ ट्रांजिस्टर का बेस, कलेक्टर, एमिटर आपको कैसे इसमें लगाना है। दोस्तों, हमारे यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर लगेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको पहले से ही गैप दिया हुआ है, ये देखिए, यहाँ पे 3 पिन, यहाँ पे 3 पिन, यहाँ पे 3 पिन, यहाँ पे 3 पिन, 1 2 3 4, यहाँ 4 ट्रांजिस्टर लगेंगे 30-55 के। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे कनेक्ट करना है। दोस्तों, ये जो पहला वाला पिन है वो हमारा बेस है, ठीक है। दोस्तों, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। ऐसे ही आपको यहाँ से कनेक्शन करते हुए जाना है, ये बेस, ये कलेक्टर और ये एमीटर। दोस्तों, बेस, कलेक्टर, एमीटर, बेस वाला सबसे इधर की साइड में, जो आप जहाँ से पावर सप्लाई स्टार्ट होती है, देखिए दोस्तों, यहाँ से पावर सप्लाई स्टार्ट होती है। तो मैंने किट को इस तरीके से पलटा है, और यहीं से सबसे पहला बेस, कलेक्टर, एमीटर, बेस, कलेक्टर, एमीटर, बेस, कलेक्टर, एमीटर, और ऐसे हमारे 4 ट्रांजिस्टर के लग जाएंगे। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको उन सारे पिन के आइडेंटिफाई करके दिखाया था, और इस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कैसे आप एक 30-55 ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, हो गई बात यहाँ पे ट्रांजिस्टर कैसे लगाना है, तो चलिए आप पावर सप्लाई की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पावर सप्लाई आपको कहाँ देनी है। दोस्तों, पावर सप्लाई देने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको डायोड में पता है, एक तरफ हमारा एनोड होता है, एक तरफ हमारा कैथोड होता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा सिल्वर कलर से आइडेंटिफाई किया गया होता है डायोड के, और एक उसके नीचे वाले हिस्से में काले कलर का होता है। दोस्तों, आपको सिंपली से यहाँ पे ये देखना है, ये और ये एक साथ जुड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं, पीछे वाला और आगे वाला जहाँ एक साथ जुड़ रहा है वहाँ हमारा ट्रांसफार्मर के कनेक्शन होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे वो दोनों जुड़ रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 12 वोल्ट, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हमें 12012 का ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, इतना ध्यान रखना। और यहाँ पे भी हम 12 वोल्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 0 है वो आपको यहाँ पे देना है ग्राउंड के अंदर, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे 12 12 और यहाँ 0। दोस्तों, इसके अंदर आप 12 0 12 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हो, 18 0 18 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो। तो हो गई पावर सप्लाई की बात। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर बात करते हैं स्पीकर की, स्पीकर कहाँ पे जुड़ेगा। तो दोस्तों, स्पीकर के लिए आपको क्या सिंपल से देखना होगा, ये हमारे 2 रजिस्टर है, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों को, ये दोनों जहाँ भी आपस में जुड़ रहे हो वहाँ हमारे रजिस्टर का एक पिन जुड़ेगा और एक पिन ग्राउंड में जुड़ेगा। तो दोस्तों, मैं इसे पलट के दिखाता हूँ कहाँ जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे वो दोनों रजिस्टर जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक स्पीकर का वायर लगेगा और एक स्पीकर का वायर ये ग्राउंड जो हमारा है यहाँ लगेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ एक स्पीकर का वायर और यहाँ एक स्पीकर का वायर। और उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा स्पीकर है वो भी सेम यहाँ पर हमारे दोनों रजिस्टर जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्पीकर का वायर जुड़ेगा और एक यहाँ पर स्पीकर का वायर जुड़ेगा। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, जिससे कि आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सको। दोस्तों, अब बात आती है इसके अंदर इनपुट की। इनपुट के लिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 पिन के कनेक्शंस दिए गए हैं। तो ये हो गया एक L, ठीक है, एक G
और एक आर। दोस्तों एक राइट चैनल का, एक लेफ्ट चैनल का और बीच वाला ग्राउंड का। अब दोस्तों बात आती है इसके अंदर वॉल्यूम कैसे कनेक्ट करें। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि किसी भी एम्पलीफायर में आप वॉल्यूम कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं और फ्रेंड्स उसके बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे आपको किसी भी एम्पलीफायर में वॉल्यूम कनेक्ट करना है। दोस्तों मुझे मैंने उस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझाया है जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे बेस ट्रेवल का जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। दोस्तों ये जो तीन है ट्रेवल के आपको दिख रहे होंगे, ये तीन जो ट्रेवल के हैं वो एक चैनल का है और यहाँ जो तीन है वो एक चैनल का है। तो दोस्तों सिंपल से आपको क्या करना है, जो हमारा मॉड्यूल होता है जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं उसके जो फर्स्ट ऊपर के जो तीन पिन होते हैं आपको इस वाले ट्रेवल में जोड़ लेना है और जो नीचे के तीन पिन होते हैं उसको इस वाले ट्रेवल में जोड़ लेना है। ठीक है, सेम वैसे ही बेस में करना है। इन दोनों के कनेक्शन आसान है। दोस्तों इसके अंदर हमें एक चीज़ नहीं मिलती, वो है हमारा 5 वोल्ट आउटपुट हम कहाँ से निकालें। तो दोस्तों उसके लिए आपको अलग से कनेक्शंस करना होगा। उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे जो यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर लगाना होगा 7805 का, उसके बाद आपको यहाँ पे 5 वोल्ट पावर सप्लाई मिल जाएगी। दोस्तों मेरे हिसाब से अब इस किट के अंदर कुछ रह नहीं रहा, अगर कुछ छूट रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताना, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करूँगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।